जोहार हजारी बाग में फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारी बाग। पदमा में उत्पात सिपाही की दौड़ चल रही थी और उसमें आज भी एक सूरज नाम के लड़के की डेथ हो गई है दौड़ के दौरान। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही एक और लड़का जो बलसगरा का था, महेश मेहता, उसकी भी मृत्यु हो गई थी दौड़ के दौरान। और वही था वहाँ पर, वो बेहोश होता है, उसके बाद उसको अस्पताल भेजा जाता है और यहाँ पर मृत घोषित कर दिया जाता है। इसी को लेकर जो परिवार वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि इस तरह की दौड़ पे रोक लगनी चाहिए या फिर कुछ ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए कि कम से कम लोगों की मृत्यु ना हो। परिवार वाले से हम लोगों ने बात की तो उसके मामा क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। और भी लोग जो उनके साथ पढ़ाई करते थे कहते हैं कि वो लड़का जो है JPSC मेन्स भी लिख चुका है, बहुत टैलेंटेड लड़का था, लेकिन दौड़ के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। काफ़ी दुखद घटना हजारीबाग से आ रही है। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं सर, और क्या करेंगे, मजदूरी कर करके इतना पढ़ाए लिखाए और आज ये हो गया। पहले घर में मतलब ठीक ठाक था, आराम से गया, बात होता था आपका, बात होता था रोज हम इससे, तो रोज बात होता था ना, कल से ही बंद हुआ है बात, कल ही से मोबाइल उसका स्विच ऑफ है और आज पुलिस गई खबर देने के लिए। आप यही हजारीबाग में रहते हैं? नहीं, हम तो घर में रहते हैं। कैसा था मतलब सूरज पढ़ाई लिखाई में? सब चीज में BPS भी निकाला है, BEd भी कर लिया है, सब चीज कर लिया है। उसका इंतजार करते करते बोला तब तक इसमें हम निकाल लेता हूँ, इसके लिए इसमें आया। आप लोग को बता के पूरा जाता था कि यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, ये एग्जाम निकाल? हाँ, तो वो तो जानकारी सब है ना, यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ आया तो पहले भी फोन किया, डेली बात होती है, खाली कल से ही बात नहीं हो रहा है, शाम से उसका स्विच ऑफ है मोबाइल, दौड़ने से पहले ही मतलब बात किया होगा? दौड़ने से पहले कल से बोला ना, आज सुबह दौड़ हुआ, सुबह घटना हुई, कल से उसका मोबाइल बंद है, शाम से रात भर ट्राई करते रह गए, स्विच ऑफ। अभी आप क्या चाहते हैं मतलब? क्या चाहेंगे सर इसमें, हम उसको मुआवजा दे, एक मेरा छोटा लड़का है उसका पढ़ा लिखा दे, बस और कुछ नहीं हमको चाहिए। क्या नाम है मेरा? प्रभु वर्मा, इसका जो अभी डेथ बॉडी है सूरज वर्मा। सूरज वर्मा के आप पापा हैं? क्या नाम है? सूरज कुमार। हाँ, कब से वो दौड़ के लिए मतलब? दौड़ करने के लिए सुबह गया था, कल रात सुबह गया था दौड़। क्या पता चला आप लोगों को? हमको पता चला कि बेहोश है, और बेहोश का सूचना ही हमको मिला, और उसके बाद पता चला कि जब यहाँ पर सदर में फ़ोन किए, बोल बेहोश है, भर्ती करने जा रहे हैं सदर में, अब पता चला सदर में जब फ़ोन किए तो बोला डेथ हो गया है, तब डेथ हो गया तो बेहोश है तो डेथ कैसे हो गया तुरंत? अगर सरकार का मेडिकल टीम रहती तो बताती हमको क्या कैसे मर गया, हमको बताया सर, वही मांग करते हैं कि कैसे डेथ कर गया, अभी बेहोश का सूचना दिए थे, डेथ कैसे कर गया? सूरज जो है वो क्या करता है मतलब? सूरज जो अभी JPSC मेंस का दिया हुआ एग्ज़ाम दिया हुआ है, कि पूर्व में भी BPSC वाला भी एग्ज़ाम दिया था, और ये आपका UP लेखपाल भी उसका फाइनल उसका हो चुका है, उसका खाली फाइनल ग्रेड मेरिट में छड़ गया, ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम पास कर दिया था, मतलब अभी की जो सरकार की जितने भी बहालियाँ हैं सारे बहालियाँ में उसको पास किया है। तो कहाँ से ये सूरज जो है कहाँ रहता है? सूरज अभी देवघर में रहा था, अभी हजारीबाग आया था दौड़ करने के लिए। देवघर का ही रहने वाला? नहीं, रहने वाला गिरिडीह का है, देवी थाना का। यहाँ पे तैयारी करता था हजारीबाग? नहीं, अब यहाँ दौड़ करने के लिए आया था, सिर्फ दौड़ के लिए आया, दौड़ करने के लिए। और क्या करते हैं उसके परिवार वाले? उसके परिवार वाले मजदूरी करते हैं दोनों, मतलब पापा मम्मी दोनों मजदूरी करते हैं। और वो ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? ग्रेजुएशन किया था मगध यूनिवर्सिटी से। झारखंड से? हजारीबाग में ही रह करके इंटर पास के इंटरसेंस कॉलेज। क्या अभी आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि उसका परिवार जो उजड़ जा रहा है, बचने के लिए उसका भरपाई, जो वो ट्यूशन उशन चला रहा था तो उसको कम से कम उसके घर को कुछ खर्चा मिल जाए, मुआवजा मिले, ताकि वो मुआवजा से अपना नौकरी, भैया नौजा, और जो मेरा जो छोटा भांजा है जो उसको अभी पढ़ रहा है उसको नौकरी मिला जाए, सरकार इतना मतलब निरंकुश मत हो जाए। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार। और क्या रिलेशन है आपका? हमारा भांजा। आप जी थोड़ा बताएंगे सूरज के बारे में, कब से रहता था आपके साथ, कैसे जानते हो? वो मेरा दोस्त रहा है, वो हजारीबाग में जब भी रहता था, और हम लोग ग्रुप में धुमकुरिया ग्रुप का इंटरव्यू लिए उसमें भी वो पढ़ता था, और बहुत तेज़ लड़का था, यहाँ तक कि वो BPSC JPSC मेंस हम लोग के साथ लिखा है JPSC का।
फाइनली उस यूपी लेखपाल का फाइनल मेरिट लिस्ट में पॉइंट समथिंग नंबर के लिए वो छटा। बाकी झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम हैं और सेंट्रल का जितने भी एग्ज़ाम है, यहाँ तक कि इवन सीजीएल एसएससी सीजीएल भी वो निकाले, बट छोटे छोटे नंबरों से छट रहे हैं। और सरकार की एक गलत नीति के वजह से इनकी मौत नहीं कह सकते, इसे मारा गया है, हत्या कह सकते हैं। जब सरकार जान रही है कि लगातार लोग इतने धूप में दौड़ा रहे हैं, आप 10-10 किलोमीटर दौड़ा रहे हैं, और कोई विदाउट फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए। लड़का ये भी दौड़ निकाल लिया था, सूरज दोस्त है, वो दौड़ निकाल लिया है, दौड़ निकालने के बाद फाइनली वो गिरा। अच्छा। हाँ, और इतना दिन से मर रहे हैं पद्मा में, ये लगभग तीसरा मौत होगा पद्मा का, ठीक है, तीसरा। और सरकार आज तक चेती नहीं है, सरकार नहीं चेती है, मेडिकल फैसिलिटी रखती, ऑक्सीजन रखती, तो आज ये नहीं होता, इनका एक हत्या कह सकते हैं वो नहीं होता। तो सरकार को प्रॉपर फैसिलिटी कर सक देनी चाहिए, नहीं तो दौड़ बंद करके फिर ये रिटर्न करवाए, पहले रिटर्न करवाए। भारत में एक नियम चलता है पूरा, हर जगह देख के पहले रिटर्न, उसके बाद फिजिकल होता, उसके बाद भी तो आप 10 किलोमीटर दौड़ा लीजिएगा। सरकार क्या कहती कि मेरा पिताजी का सपना था कि जो पहले पेड़ पे चढ़ेगा उसको नौकरी देंगे। भाई बाद में पेड़ चढ़ा ले जा, पहले तो रिटर्न तो ले लीजिए, बाद में जो बचेगा उसको। इतना तो मौत नहीं होता, जो मेरे भाई लोग आज मर रहे हैं, प्रतिदिन मर रहे हैं, तो ये तो नहीं होता। और कह सकते हैं एक होनहार लड़का का मृत्यु हुआ है। क्या करता था, मतलब वो दिन भर क्या रूटीन था, पढ़ाई कैसा करता था? पढ़ाई वो बहुत मेहनती था, अभी हम कॉल हिस्ट्री दिखाएंगे तो 2-2 घंटा हम लोग रात में ऑडियो कॉलिंग में पढ़ते थे। और एग्ज़ाम वो ज़्यादा टेंशन लेता था एग्ज़ाम वगैरह का। और सोच सकते हैं कि जेपीएससी पीसीएस का लड़का कॉन्स्टेबल में जा रहा है। बेरोजगारी का आलम पहले देखिए कि हजारीबाग पूरे झारखंड में क्या करके रखा गया है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था। और इसी के कारण एक तरह से कह सकते हैं कि इनकी मौत हुई है सूरज वर्मा का। बस हम लोग यही कर सकते हैं, पूरा भी हजारीबाग का स्टूडेंट जमा हुए हैं, सरकार से मांग करते हैं कि उनको जो भी है, उनका एक छोटा भाई है, बहुत छोटा है, उनको रोज़गार या उनके घर में किसी एक को रोज़गार मिल जाए, और जो भी अनुदान है वो उनको दिया जाए, 30-40-50 लाख जो भी है, चूँकि जितना भी दिया जाए वो कम ही है, जितना वो एक हीरा कह सकते हैं, हीरा था वो लड़का।